हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सी हमने ड्रेस बनाई है। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला पहना लेते हैं। इसी में इनकी चोली भी है और नेपी भी है, ये इस तरह से। ये देखिए, सेम ड्रेस आप 6 नंबर के कान्हा को भी पहना सकते हैं। 6 नंबर को भी बहुत ईजिली आ जा रही है। आपको पता ही है कि मेरे पास सभी साइज के कान्हा हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 6 नंबर को भी पहनाने में। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे बांध लेंगे। बांधने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे देखिए, इस तरह की यहाँ पे नेपी भी है और इसमें इनकी चोली भी है। ये जो मैंने चिपकाया है वेलक्रो, इसकी जगह पे आप चिटचैट बटन भी लगा सकते हैं। आप देखें कितनी अच्छी फिटिंग आई है। ये हमने बांध दिया। अब हम यहाँ पे इनकी स्कर्ट पहना लेते हैं। तो स्कर्ट में मैंने इलास्टिक लगाई हुई है। ये देखिए, इस तरह से स्कर्ट दिया जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करें पहले, गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप देखिए कितनी छोटी सी और क्यूट सी हमारी ड्रेस है। इसके साथ हमने यहाँ पर मैचिंग की कैप भी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये कैप जो है ये बाल लगा के भी पहना सकते हैं, और पूरी की पूरी ड्रेस 6 नंबर को भी आ जा रही है। 6 नंबर को भी आप पहना सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक लिया है, रेड कलर में है हमारा। हमने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है 2.75 इंच रखी है, मीन्स 2.5 इंच और 3 इंच के बीच में जितना आता है उतना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मोड़ने के बाद ऊपर की साइड से एक बार सिलाई लगा लेंगे, या फिर आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं ऐसे ही मोड़ के, तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस तरह से ऐसे फ्रंट से मोड़ लेंगे, और उसके बाद इस पर हम ऐसे बारीक बारीक सी प्लेट बना के सिलाई लगाएंगे। कॉटन का फैब्रिक है हमारा अस्तर का, बहुत जल्दी इस पर हमारी प्लेट बन जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पर अपनी पूरी प्लेट बना लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से थोड़ी दूर हमें सिलाई लगानी है, फिर ऐसे पीछे से उठा के अपनी प्लेट हम यहाँ पर बना लेंगे ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसे अपने पूरे फैब्रिक से फ्रिल बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए, हमारी फ्रिल बन गई है। हमने काफ़ी लंबी बनाई हुई है, ये देखिए इतनी लंबी है हमारी। जरूरी नहीं है आप इतना लंबा बनाएं, 45 इंच लंबाई का फैब्रिक लें और 2 फैब्रिक से आप प्लेट बनाएं तो आपका हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए ये अपना फैब्रिक लिया हुआ है हमारा, ये मेन वाला फैब्रिक है। इसकी अगर मैं आपको यहाँ पर लंबाई बताऊँ तो देखें 9.5 इंच, और जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2 इंच। मैंने यहाँ पर ये अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, तो ये देखें इसकी भी लंबाई 9.5 इंच है, बट चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है अस्तर वाले की। 1/2 इंच से हमारी बड़ी रहेगी। हमें क्या करना है, इस तरह से रख के यहाँ पे एक सिलाई लगानी। हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे इस तरह से हम पलट देंगे। यहाँ पे ऐसे नाखून लगाइए पहले, इसे ऐसे सीधा करके, और नाखून लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से हल्की सी आपकी रेड कलर से पाइपिंग आ जाए, बस इस तरह से इसे हल्का सा ऊपर रख के मोड़िए। थोड़ा सा ऊपर रख के मोड़ेंगे तो आपकी पाइपिंग आ जाएगी, और यहाँ पे हम इसे ऊपर से ही सिल देंगे। ये देखिए, हमारी पाइपिंग आ गई है। पाइपिंग बनाने का सबसे इजी तरीका है ये। और यहाँ पे हमने नीचे से भी अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करके सिलाई लगा दी। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था अस्तर वाला, वो हमने कट करके हटा दिया है। अब हमें यहाँ पे अपनी ये फ्रिल लगा लेनी है, हमने जो अपनी फ्रिल बनाई हुई है। तो चलिए इसे हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से रख के सिल देना है। चलिए सिलती हूँ इसे। ये हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम इसे देखें इस तरह से ऐसे पलट देंगे। ये देखिए, ये पीछे से हमारा ये ऐसे रहेगा, इसके ऊपर ये हमारा रखा जाएगा, जिससे हम इस पर इस तरह से सिलाई लगा सकें। तो इस पर हम एक सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और हम यहाँ पे अपनी इलास्टिक लगा देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये इलास्टिक ली हुई है,
इसे हमें यहाँ इस तरह से हल्का सा नीचे रख के और पूरा खींच के लगाना है। जितना आप खींच पाइए उतना इसे खींच के और स्टिच कर दीजिए। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को सिल दिया। हमने यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड से इलास्टिक को सिला हुआ है। सीधी साइड से देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। हम यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी छोटी सी स्कर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने अपनी फ्रिल ले ली है जो हमने फ्रिल बनाई थी, बट इतनी चौड़ी फ्रिल हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ से देखें ऐसे सेंटर से सिल के बाकी की एक्स्ट्रा फ्रिल कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी फ्रिल जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे ये चोली और नेपी दोनों हमारी इसी में आ जाएगी। आप देखिए ये हमने इसकी जो लंबाई है ली है 4.75 इंच, 4.5 इंच और 5 इंच के बीच में जितना आता है उतनी, और जो चौड़ाई है हमारी वो ये देखिए 2.75 इंच है, मीन्स 2.5 इंच और 3 इंच के बीच में जितना आता है उतनी। हमें क्या करना है, इस तरह से इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे, इस साइड से भी और इस साइड, दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर अपनी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो आप देखें हमें किस तरह से पाइपिंग इस पर लगानी है। यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ाई का अपना अस्तर वाला पीस लिया है, इसे डबल करके यहाँ पे इस तरह से रख के सिलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। सिलने के बाद इस तरह से हम इसे ऐसे पलट देंगे पीछे की साइड, हमें पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पे ये हमारी देखिए पाइपिंग भी आ गई और ये हमारा लॉक भी हो गया है। तो चलिए सिल लेती हूँ। सेम ऐसे ही हम इसे दूसरी साइड से भी सिल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया। सिलने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से एक छोटी सी प्लेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर ऐसे सिलाई लगा देनी है, बस छोटी सी, जिससे हमारा थोड़ा सा पतला हो जाए। ये हम अपने नेक की साइड रखने वाले हैं। ये देखिए हो गया है। अब हमने अपना ये फ्रिल लेना है और फ्रिल को यहाँ पे रख के और सिल देना है। एकदम सेंटर पे रखेंगे इस तरह से और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। अब हम यहाँ पे भी अपनी पाइपिंग बनाएंगे यहाँ से और यहाँ तक। तो वो हम अपने इस वाले फैब्रिक से बनाएंगे। इसे इस तरह से मोड़ना है, मोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऐसे सिल देना है। चलिए सिल के अपनी यहाँ पे पाइपिंग बना लेती हूँ, लॉक कर लेती हूँ इसे भी, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये वेलक्रो ली हुई है, इस तरह से ओपन करेंगे। इसका हार्ड वाला हिस्सा हम यहाँ ऊपर की साइड रख के सिल देंगे और सॉफ्ट वाला हिस्सा हम यहाँ अंदर की साइड रख के सिलेंगे। चलिए सिल देती हूँ दोनों को, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हार्ड वाले हिस्से को हम ऐसे उल्टा करके सिलते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है, इससे हमारे धागा जो है वो टूट जाएगा अगर हम सीधी साइड से सिलेंगे तो। ये हमारा इतना काम देखें हो गया है। इस पर हमने ये वेलक्रो लगा दिया। अब हमने फिर अपनी एक ये 1 इंच चौड़ी वाली पट्टी ले ली है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है, मोड़ना नहीं, ये देखें इस तरह से ऐसे हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे इस तरह से रख के और सिल लेंगे। चलिए सिल देती हूँ। सिलने के बाद देखिए यहाँ से हम ऐसे इसे निकालेंगे और निकालने के बाद अब हम इसे मोड़ेंगे। ये देखें ये पहले नीचे की साइड से थोड़ा सा मोड़ दिया, फिर ऊपर से मोड़ दिया, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के मोड़ दिया। अब इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे तो आपका ये सेंटर में लॉक भी हो जाएगा और यहाँ डोरी भी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया। इसमें हमारी चोली भी है और नेपी भी। अब चले हम कैप भी बना लेते हैं लगे यहाँ। तो कैप के लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया है अपना। इसकी जो
ये चौड़ाई है, सॉरी लंबाई 5.5 इंच, और जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच के करीब में रखी है। हमने अस्तर का भी फैब्रिक लिया हुआ है, और देखिए हमने अपनी ये फ्रिल को भी पतला करके लिया हुआ है। हमने इसे पतला कर लिया है, हम यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखें, रखने के बाद इस पे हमें अस्तर रखना है बराबर करके और सिलाई लगा लेनी है। हमने अपना मेन फैब्रिक जो कॉटन वाला लिया है उसे सीधी साइड से रखा हुआ है। चलिए अब सिल देती हूँ इसे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, कुछ इस तरह का हमारा लुक आएगा। अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से हमें करना है। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया और जो फ्रिल है वो मैंने अस्तर के ऊपर रख दिया है, और इसे यहाँ से सिल दूंगी। ये मैंने सिल दिया, अब सिर्फ फ्रिल को पकड़ेंगे और पूरा जो हमारा अस्तर है उसे हमें ऐसे सीधा करना है। और अब हम अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे तीनों साइड से। ये देखिए सिलने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब हम दोनों को इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए हमने सिल दिया, सिलने के बाद ऊपर से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। सुई धागे की हेल्प से इसे हमें इस तरह से सिल देना है। ये देखिए यहाँ पे हमें पूरा सिल के इकट्ठा कर लेना है। एकदम सिंपल है गाइस, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमने यहाँ पे इसे सिल के खींच दिया है। ये देखिए खींचने के बाद आप चाहें तो एक बार इस तरह से भी बांध सकते हैं। बस यहाँ पे बांधने के बाद इसे नॉट लगा लीजिए। आप सुई से भी नॉट लगा सकते हैं अगर आपको हाथ से लगाने नहीं आ रही है तो। ये इस तरह से बस इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ऊपर की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हमें कट कर लेना है। हमारी कैप भी यहाँ पे रेडी हो गई। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे आपको बनाना बताया है, तो आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। तो देखिए हमारी कैप रेडी हो गई, हमारी ये ऊपर की चोली रेडी हो गई, हमारी स्कर्ट भी रेडी हो गई। अब चलिए कान्हा जी को पहना के दिखा देते। तो ये देखिए यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने पहना दी, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, और कैप आप कान्हा जी को बाल लगा के भी पहना सकते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर लग रही है। और अगर नेपी आप देखें तो देखिए एकदम मैचिंग की हमारी नेपी भी है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस मैंने आपको बना के दिखाई हुई है। तो आई होप आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप नहीं की होगी, देखी होगी। देखा होगा तो मैंने बताया है पहनाना, और सेम ड्रेस आप 6 नंबर को भी पहना सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।